जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ एंटी करप्शन डायनो पार्टी के तीन उम्मीदवारों के बारे में। तो हम उनके कुछ बैनर्स देखेंगे और उनकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी कलकत्ता उच्च न्यायालय के माने पूर्व न्यायाधीश सी एस कर्णन जी ने बनाया है। और तो ये नई पार्टी है जिस कारण से ये पार्टी साढ़े दो सौ तैतालीस सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाई। उन्होंने सिर्फ तीन उम्मीदवार खड़ा कर पाए, जो हैं पहले राम कुमार जी दमदाहा कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, दमदाहा विधानसभा से। दूसरे हैं दिलीप कुमार चौधरी जो प्राणपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी प्राणपुर विधानसभा। और तीसरे उम्मीदवार मनोज महतो जी जो कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली से हैं, कस्बा विधानसभा कहीं। तो इन तीनों कैंडिडेटों का कटहल छाप है, आप भी यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। और हमारा मुद्दा है कि भारत का विकास होगा संविधान के प्रयोग से, हर व्यक्ति का विकास होगा ज्ञान के प्रयोग से। इस पार्टी का मेन मकसद है कि सभी जातियों को उनका जनसंख्या के अनुपात पे प्रतिनिधित्व मिल जाए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस इमेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी ACDP और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन DRA ने दमदाहा से श्री राम कुमार, प्राणपुर से श्री दिलीप कुमार चौधरी, कस्बा से श्री मनोज महतो को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव चिन्ह कटहल है बिहार से भ्रष्टाचार खत्म करने एवं भारत का संविधान पूरी तरह से लागू करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत दिलवाएं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस इमेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। With folded hands, you are requested to share this message as much as possible. Bihar Assembly election 2020. Anti-Corruption Dynamic Party (ACDP) and the Democratic Representation Alliance (DRA). Mr. Ram Kumar from Damdaha, Mr. Dilip Kumar Chaudhary from Pranpur, Mr. Manoj Mehta from Kasba have been made candidate. Election symbol is jackfruit. To end corruption and make the constitution of India fully implemented, kindly vote for above given candidates. With folded hands, you are requested to share this message as much as possible. तो ये राम कुमार का पहला अकेले वाला पोस्टर है, पहला पोस्टर उनका बैनर बनाया गया है। तो एंड देखते हैं इस पे क्या क्या लिखा है। तो एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी ACDP, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन DRA, राम कुमार दमदाह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार। कटहल पर बटन दबाएं, संविधान को पूरी तरीके से लागू कराएं। मतलब एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी ने देखा कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे संविधान विरोधी भ्रष्टाचारी लोगों के प्रतिनिधित्व छीन रहे हैं, उनको जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं दिला रहे हैं, इसलिए ये पार्टी आई है और पूरे भारत में संविधान को लागू करवाएगी और सबको जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाएगी। तो इसलिए ये कटहल ये है, ये एक छोटा सा नारा बनाया गया है, कटहल पर बटन दबाएं, संविधान को पूरी तरीके से लागू करवाएं, ठीक है। और भारत का विकास होगा संविधान के प्रयोग से, हर व्यक्ति का विकास होगा ज्ञान के प्रयोग से। एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी ACDP, एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी ACDP, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन DRA, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस DRA, कलकत्ता उच्च न्यायालय के माने पूर्व न्यायाधीश सी एस कर्णन, सेवानिवृत्त संस्थापक अध्यक्ष एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी। और ये हमारी नुनिया वंदना महतो जी हैं जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी। और ये हमारे राम कुमार जी उम्मीदवार हैं दमदाहा विधानसभा क्षेत्र से एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी, जिनका कथल छाप है।
सभी संवैधानिक पदों पर एवं सभी जगह पर जाति धर्म एवं अन्य सभी तरह के वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री बीन नुनिया माझी चाई गोरी मल्ला केवट निषाद मछुआरा आदि जातियों में से होगा। आंध्र प्रदेश की तरह पांच उप मुख्यमंत्री होंगे। एक मुख्यमंत्री अति पिछड़ी जाति से, दो मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से, तीन मुख्यमंत्री मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से, चार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से, पांच मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग से। अभी हमारा राम कुमार जी का तीसरा बैनर है, इस पे लिखा है राम कुमार दमदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी। ये जस्टिस सीएसएस कर्णन जी हैं और इनका और राम कुमार जी जो चुनाव दमदा से चुनाव लड़ रहे हैं उनका छाप कटल छाप है और उनका मुद्दा छोटा सा, उन्होंने एक नया नारा बनाया है, वो है बिहार को बढ़ाना है तो कटहल छाप को जिताना है, एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी। ये दिलीप कुमार जी का बैनर है, तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के माने पूर्व न्यायाधीश यशेश कर्णन है और ये दिलीप कुमार चौधरी उम्मीदवार प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं और इनका चुनाव चिन्ह भी कटहल है और सेम नारा बनाया गया है, बिहार को बढ़ाना है तो कटहल छाप को जिताना है। और इनका मेन मुद्दा है भारत का विकास होगा संविधान के प्रयोग से और व्यक्ति का विकास होगा ज्ञान के प्रयोग से। अब ये हमारे तीसरे कैंडिडेट मनोज कुमार महतो जी हैं, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस सीएसएस कर्णन जी हैं ये, और ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी से, और ये मनोज महतो हैं उम्मीदवार कस्बा विधानसभा क्षेत्र से एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी। तो एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी ACDP, एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी ACDP लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन DRA डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस DRA सभी संवैधानिक पदों पर एवं सभी जगह सभी जातियों धर्म एवं अन्य सभी तरह के वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री बीन नुनिया माझी चाई गोरी मल्ला केवट निषाद मछुआरा आदि जातियों में से होगा। आंध्र प्रदेश की तरह पांच उप मुख्यमंत्री होंगे। एक उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ी जाति से, दो मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से, तीन उप मुख्यमंत्री मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से, चार उप मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति से, पांच उपमुख्यमंत्री सामान्य वर्ग से। ये मनोज कुमार का दूसरा बैनर है एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी ACDP, एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी ACDP लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन DRA डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस DRA। मनोज कुमार महतो उम्मीदवार कस्बा विधानसभा क्षेत्र से एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी। और ये यहाँ पे कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस CSS कर्णन है, जो जस्टिस हैं ये रिटायर्ड हो चुके हैं और इनका भी कटहल छाप है। तो भारत का विकास होगा संविधान के प्रयोग से और हर व्यक्ति का विकास होगा ज्ञान के प्रयोग से। तो बस आज के लिए इतना ही, हमने थोड़ी सी डिटेल ली तीन कैंडिडेटों की जो एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी से खड़े हुए हैं। तो जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। धन्यवाद।